कार्य व्यक्ति तभी करता है, कोई भी जीवन के अंदर अद्भुत कार्य तभी करता है जब उसका एक का क्लियर हो जाता है। जब तक कोई फोकस नहीं होगा जिंदगी पर इंसान डिफोकस्ड होगा, जब तक कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा कोई शॉर्ट टर्म फोकस बिल्ड नहीं हो सकता। ये किसी को अगर आज फोकस की चिंता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हरे कृष्णा। जो आज का श्लोक हम ले रहे हैं मेरे पीछे दोहराइएगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो अनुवाद में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, ये दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है। और दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में आते आते अब भगवान ने चर्चा करना शुरू किया है और बात करना शुरू किया है कि माइंड फोकस एब्जॉर्प्शन किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। क्योंकि जो फोकस है, गोल है, कॉन्सेंट्रेशन है, अर्जुन को जैसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कल्टिवेटेड, ये बिल्ड किया जा सकता है। सांसारिक लोगों को भी, आध्यात्मिक लोगों को भी, सबको सफलता इसी बेसिस पे मिलती है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अगर सूर्य की किरणों को सारे स्टूडेंट जानते हैं आज कि अगर उसको मैग्निफाइड ग्लास के थ्रू एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें तो किरणों से आग लग सकती है, लेकिन ओनली एट वन कंडीशन, अगर उसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया तो वो आग नहीं लगती है। सो एबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अटेंशन टू वन सिंगल टास्क, टू वन सिंगल फोकस, वही से रिजल्ट आता है। सो फोकस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इररेलेवेंस। जितना फोकस बढ़ता है उतना इररेलेवेंस घटता है, जितना ज्यादा फोकस घटता है उतना ज्यादा इररेलेवेंस बढ़ता है। तो किसी को भी आप देखेंगे जीवन में, उसकी सफलता के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हमारे अपने बड़ा बिजनेस कंपनी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वेलुमणि, उनकी कंपनी थायरोकेयर उन्होंने अभी अभी सेल करी और बोले कि मेरी हायरिंग के पीछे केवल एक सेंट्रल थीम और फोकस रहता है, वो फोकस होता है। मैं केवल उन्हीं लोगों को हायर करना पसंद करता हूं, उन्हीं इंजीनियर्स को हायर करना पसंद करता हूं जिनका फोकस का क्वालिटी अच्छा होता है। बड़ा रेयर वर्च्यू है ये, और अगर ये डेवलप हो सके तो मेंटल मास्टरी बिल्ड की जा सकती है। So focus जो है ना, focus and measure what matters the most, it is a golden statement. ये बहुत बड़ा statement है। यानी कि इसमें सबसे important चीज क्या है? Focus नहीं है। इसमें सबसे important चीज है what matters the most. सबसे ज्यादा आपके लिए important क्या है? जिस दिन वो एजेंडा, जिस दिन वो डायरेक्शन, जिस दिन वो इंपॉर्टेंट एजेंडा आ जाता है, जिसमें वो पर्पस आ जाता है, तो फोकस करना आसान हो जाता है। ये भी समझते हैं कि कौन लोग फोकस कर पाते हैं कौन नहीं कर पाते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतश्च, अनंत शाखाओं में बुद्धि उसकी विभाजित हो जाती है जिसके पास एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन नहीं रहता है। सो लैक ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस प्रॉब्लम नहीं है। फोकस बाद में आता है, पहले डायरेक्शन आता है। वन मोर टाइम एवरीबॉडी कम ऑन, फोकस बाद में आता है पहले। जिसके पास जितनी अच्छी क्वालिटी का डायरेक्शन है उसके पास उतनी अच्छी क्वालिटी का फोकस है। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, फोकस इमीडिएट होता है। डायरेक्शन दूर तक जाता है, फोकस शॉर्ट टर्म में रहता है। फोकस जो है डे टू डे होता है, डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है, वो पर्पस से कनेक्टेड होता है। तो जितने लोग वेल डायरेक्टेड होते हैं उनका डे टू डे फोकस भी उतना अच्छा होता है। फोकस बिना डायरेक्शन के लंबा समय टिकता नहीं है जब तक पर्पस नहीं होता है। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उनका लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अच्छा था इसीलिए उनकी इमीडिएट क्वालिटी ऑफ फोकस भी अच्छी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये अपने जीवन में 75 साल तक जिए हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है? टेलीफोन का, सबको मालूम है। ग्राहम बेल 75 साल की उम्र में 20 साल उन्होंने पढ़ाई किया और 30 साल एक इन्वेंशन के पीछे लगे रहे, उस एक इनोवेशन के पीछे लगे रहे। वो 30 साल उन्होंने उसमें समय लगाया। इनफैक्ट उस 30 साल के लंबे समय में उनको 50,000 फ्रैंक भी, सरकार ने उनको काफी बड़ी उस समय के हिसाब से धनराशि भी दी। 3 decade लगाए उन्होंने, 30 साल लगाए और 50 साल की उम्र में जाकर के वो आविष्कार कर पाए थे उनको। पर वो आविष्कार करने से पहले वो अपने ऑफिस में आखिरी समय में बहुत समय लगाते थे, बहुत घंटों 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 लगाए रखते।
रहने लगे और आखिरी का एक साल वो गैराज से अपने घर में नहीं आए। घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं घर आऊंगा फोन साथ में, टेलीफोन साथ में लेकर के ही आऊंगा। ये एक लॉन्ग टर्म फोकस था, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन था जिससे इमीडिएट फोकस बन पाया। आज एक पृथ्वी की बड़ी समस्या को उन्होंने सुलझाया है। इसमें ये जो बहुशाखा अनंत अनंत डायरेक्शन में जाती है वो आउटकम है ऑफ नॉट हैविंग फोकस। इफ यू हैव टू मेनी फोकस इट सिंपली मींस यू हैव नो फोकस। देखिए सिंगल चॉइस किसी आदमी के पास होना वो 99% हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ही इज बीन द पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। एपीजे अब्दुल कलाम 32 साल के थे जब उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने उनकी सगाई तय कर दी थी, पर उस समय वो रॉकेट के उस आविष्कार के पीछे लगे थे जिसके चक्कर में वो काफी ज्यादा डीपली अब्सॉर्ब थे और अपनी एंगेजमेंट में जाना भूल गए थे। और बेचारे उनकी शादी भी नहीं हुई इस चक्कर में। उनसे बाद में किसी ने पूछा आपने शादी नहीं क्यों नहीं करी, बोले मैं भूल गया शादी करना, मुझे याद ही नहीं रहा शादी करना। क्यों नहीं याद रहा? इस ये शादी का याद, रिश्तों का याद इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है जिसको हम याद करते हो कंटिन्यूअसली, कोई फोकस नहीं है कंटिन्यूअसली। मतलब मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन, पढ़ाई का स्टूडेंट लाइफ, एक ये कौन बिल्ड कर पाता है इसको समझिए।